मैं आज एक जगह से दूसरे जगह पे तृणमूल कांग्रेस छोड़कर उसका दिया हुआ नौ नौ सरकारी पद को धोकर मार के भारतीय जनता पार्टी में मैं इसीलिए शामिल हो रहा हूँ कि मैं कुछ काम कर सकूँ, कुछ जनता के लिए कुछ कर सकूँ, इसीलिए मैं आज योगदान कर रहा हूँ भाजपा में। मैं आज अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता है, अमित शाह जी जैसे नेता है, उस पार्टी में आज मैं योगदान कर रहा हूँ। अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे जितने भी समर्थक आज इस काजी क्षेत्र से आए उन सबको मैं बोलूंगा थोड़ा हाथ उठा के आप लोग बोलिए कौन कौन आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, आगामी दिन में इस अलीपुरद्वार जिला में 5-0 भाजपा 0 तृणमूल हमको करना है। इसका सबक देना है। मैं मंच पर बैठे हुए नेतागण को आश्वासन देना चाहता हूँ। बहुत हृदय में बहुत किया है, बहुत वेदना है, बहुत असम्मानित हुआ। उसका बदला आगामी 10 तारीख पूरे जिला में लेकर भाजपा को 5 सीटों में जिताने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ूंगा मैं मोहन शर्मा मैं करूंगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ सभी भाजपा जो नेतृत्व को कार्यकर्ता को जो पहले से है, मैं यह नेता होने नहीं आया हूँ, मैं नेता हूंगा भी नहीं। मैं भाजपा का एक साधारण कर्मी होकर आगामी दिन में भाजपा का सेवा करूंगा। उसी को लेके मैं इस क्षेत्र का जनता का सेवा करूंगा। इतना ही बोलकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जिला के सभापति मेरा छोटा भाई गंगा प्रसाद शर्मा जी को और एक छोटा भाई सांसद मेरा जोन दादा जी को। यहाँ पर राजू मिश्र जी भी है और सबके नाम में अब भविष्य में लूंगा क्योंकि सबका नाम अभी मैं मुझको आता भी नहीं, मैं पहचान भी नहीं है। सबको मेरा उससे धन्यवाद देते हुए मैं अनुमति लेता हूँ। हम लोग सब पांचों में पांचों सीट जिताने में काम करेंगे ना। एक पक्की बात तो मैं विशेषकर मेरे साथ आए हुए भाइयों को बोलना चाहता हूँ। ये इज्जत आज मोहन शर्मा का भी इज्जत हो गया है। हम लोग एक जुट होकर लड़ेंगे। चले एक साथ बोलेंगे भारत माता की। देखिए किसे